आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज ब्रॉडकास्ट में। पानीपत में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला पानीपत जाटल रोड का है, जहां बदमाशों ने गन पॉइंट पर दुकानदार से 50,000 की लूट कर ली है। बदमाश वारदात को अंजाम देकर बड़ी आसानी से भागने में कामयाब हो गए, तो वहीं लूट की पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल पीड़ित दुकानदार ने मामले की सूचना पुलिस में दी है। देखिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। लगता है बदमाशों में पानीपत पुलिस का डर खत्म हो चुका है। यही कारण है कि बदमाश आए दिन लूट और हत्या जैसी वारदातों को आए दिन पानीपत में सरेआम अंजाम दे रहे हैं। जहां पानीपत पुलिस कप्तान बीते दिनों समालखा में हुई व्यापारी की हत्या मामले का खुलासा कर भी नहीं पाए थे, कि इतने में बदमाशों ने पानीपत में एक और लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। मामला पानीपत के जाटल रोड का है, जहां बदमाशों ने गन पॉइंट पर एक दुकानदार को अपना निशाना बनाया और 50,000 की नकदी लूट कर फरार हो गए। हालांकि लूट की ये पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक मुकेश और विनोद दोनों भाइयों की जाटल रोड दोनों नहर पार जय किरियाना स्टोर के नाम से दुकान है। पीड़ित विनोद ने बताया कि दोनों भाई किरियाना स्टोर पर बैठे थे और 2-3 ग्राहक भी मौजूद थे। तभी 4 बदमाश दुकान में घुसे और आते ही उन्हें गन पॉइंट पर ले लिया, जबकि एक बदमाश के हाथ में चाकू भी था। उन्होंने बताया कि सभी बदमाश मास्क और हेलमेट से चेहरा ढके हुए थे। इसके बाद बदमाश गल्ले में लगभग 50,000 रुपए निकाल कर फरार हो गए। वहीं वारदात के बाद दुकानदारों ने लूट की सूचना पुलिस को दी। सर, मेरी जाटल रोड पे जैगरियाना स्टोर के नाम से दुकान है। मंगलवार रात को हम घर जाने के लिए तैयार हुए तो 4 आदमी अंदर घुसते हैं और उनमें से 3 के पास देसी कट्टे थे और 1 के पास चाकू था। उन्होंने हमें गन पॉइंट पे लिया और एक तरफ खड़ा कर दिया और गल्ले में जो भी पैसे थे वो निकाल के ले गए। कितने पैसे थे? लगभग 50,000। क्या हुआ? 4 लोग थे, मुंह पे मास्क लगाया हुआ था। एक बंदे ने अंदर आके मास्क लगाया है, उसका चेहरा भी फुटेज में दिखता है जी। तो आते ही उन्होंने सबसे पहले तो हमें धमकाया और धक्का दे करके एक तरफ कोने में इकट्ठा कर दिया। इकट्ठा करने के बाद 2 बंदों ने हमारे ऊपर बंदूकें तान ली और एक बंदा जो गल्ले के पास जाता है और वहाँ से गल्ले में से पैसे निकालता है और ये करते ही वो बंदूक दिखाते हुए भाग जाते हैं वहाँ से। वहीं पानीपत SP शशांक कुमार सावन ने बताया कि लूट की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए नाकेबंदी और पेट्रोलिंग के आदेश जारी कर दिए गए हैं। देखो, जैसे वारदातें होती है और उसे हम ट्रेस भी करते हैं, और पिछले साल में जो जितनी लूट की वारदातें हुई तो हमारी जो ट्रेस परसेंटेज है वो हाईएस्ट में है, और हम प्रिवेंशन करने की भी कोशिश करें। उसी के क्रम में ही जो मैंने 4 से 11 के जो नाकेबंदी और पेट्रोलिंग के जो अलग से आदेश जारी किए हैं, उसी क्रम में है कि हम ना ही सिर्फ उसको वर्कआउट करने में फोकस रहे बट उसको रोकने में भी हम कामयाब रहें। और इस तरह की लूट की वारदात रोकने के लिए बहुत अहम होता है कि हम जो है इलीगल आर्म्स कैंपेन चला के उसको पकड़े। तो जैसा आपको पता होगा कि पिछले साल ही हमने काफ़ी सारे भारी मात्रा में इलीगल आर्म्स हमने पकड़े, तो आगे भी ये कैंपेन चलाएंगे। तो ये सब सारे प्रिवेंशन के मेजर्स हैं, इलीगल आर्म्स पकड़ना, इफेक्टिव पेट्रोलिंग करना, एक इफेक्टिव नाकाबंदी करना, जिस तरह के हम मेजर्स लेते रहेंगे जिससे कि आगे वारदातें कम हो, और हो तो हम उसे जल्द से जल्द ट्रेस करें। बहरहाल पानीपत SP ऐसी वारदातों पर अंकुश लगाने का दावा कर रहे हैं और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने की बात कह रहे हैं। अब देखना होगा आखिर कब तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। अब तक लेवल इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।